हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है आश्रयी एवं आश्रय संबंध, वो भी दोष धातु और मल का। आश्रयी मतलब जो रहता है और आश्रय मतलब जिसमें रहता है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो घर हमारा है आश्रय, हम रहते हैं तो हम है आश्रयी। उसी प्रकार हम दोष धातु मल का आश्रय आश्रयी संबंध देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वात। वात किसके साथ संबंधित है? वो है अस्थि धातु के साथ। ठीक है, पित्त है रक्त धातु के साथ। ये सबसे पहले हम धातु का देख रहे हैं, दोष के साथ। ठीक है, मल का अलग से देखेंगे। ठीक है, अब कफ। अब जैसे आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वात का अस्थि और पित्त का रक्त। ठीक है, तो और बाकी जितनी भी धातुएं बची हुई हैं उनका कफ, जैसे रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र। ठीक है, सप्त धातुओं में से अस्थि है वात का स्थान और रक्त है पित्त का स्थान, और बाकी जो बच गए रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, वो है कफ का स्थान, यानी आश्रय। किसका? कफ का आश्रय क्या है? रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा दोष धातु का। अब देखते हैं दोष और मलों का। मलों में वात का कोई आश्रय नहीं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। फिर आपको क्या याद रखना है? पित्त का आश्रय कौन है? वो है स्वेद। क्या है? स्वेद। आपने देखो जब पित्त प्रकोपित होता है तो स्वेद प्रवृत्ति एक उसका लक्षण होता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे आश्रय क्या है? पित्त का स्वेद। और बाकी दो त्रिमल में से स्वेद निकल गया, बच गए कौन से दो? पुरीष और मूत्र। पुरीष और मूत्र बच गए, वो हो गए कफ के आश्रय। ठीक है, वात का कोई आश्रय नहीं है मलों में, पित्त का आश्रय है स्वेद और कफ का आश्रय है पुरीष और मूत्र। तो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये श्लोक देख लेते हैं जो बताया है। तत्र अस्थिनि स्थितो वायु, जैसे कि अस्थि में वात रहता है, वायु। असरिक स्वेदो पित्त, असरिक असरिक यानी रक्त, रक्त और स्वेद में पित्त रहता है। ठीक है, और शेषे तु श्लेष्मा, अब जो उनसे बच गए उनमें रहेगा कफ। ठीक है, तो दोष और धातु का क्या है? वात अस्थि में रहता है, पित्त रक्त में, और कफ रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र में। ठीक है, मलों में वात का आश्रय कोई नहीं है, पित्त स्वेद। ठीक है, पित्त का आश्रय कौन है? स्वेद। कफ पुरुष और मूत्र। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमने देखा आश्रय और आश्रयी संबंध दोष धातु और मल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।